बोली सच्चे दरबार है कि आइए मेरा आखिरी भजन है इस राउंड का। चाहूंगी एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए सभी को। बोली बाबा भूतनाथ की, बोली शेरों वाली मैया की। अच्छा ये बताइए, अब तक बहुत झूम रहे थे, नाच रहे थे, भोलेनाथ को मना रहे थे, मैया को मना रहे थे, कितने लोग अपने अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं, दोनों हाथ उठाइए। अभी तुरंत पता चल जाएगा ये सच है कि झूठ है। बोली अपने अपने माता और पिता की, बोली सच्चे दरबार की। ये भजन अपने अपने माता पिता के नाम में गा रही हूँ। अच्छा लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, वो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जमा की दुआएं मैया, दुर्गा मैया सबको पूजते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम भक्त होते हैं जो अपने माँ के पैर छूते हैं। कितने लोग अपने माँ के पैर छूते हैं, जरा दोनों हाथ उठाएं। सब झूठ है, एक भी नहीं उठाते। अगर अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो एक मिनट तक हाथ उठा के बताइए तो मैं जान जाऊं। एक मिनट तक हाथ ऊपर होना चाहिए। वही माँ आपको 9 महीने तक पोसती है, पालती है, बड़ा करती है, आप उनके लिए एक मिनट हाथ नहीं उठा सकते हैं? अगर उठा सकते हैं जो सच्चे माँ के बेटे होंगे वही दोनों हाथ बोलिएगा, और एक साथ ताली बजाइए। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 बताइए वो मंजर क्या होता है, तब माँ पे क्या गुजरती है। अगर माँ से सच्चा प्रेम है तो एक बार दोनों हाथ उठाइएगा और तालियों के साथ। नौ महीने तक के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है, उसे पालती है माँ। वो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन खुशियां।
देता है, माँ उसे उठा के सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है, वो होती है माँ। जब बेटा कहीं बाहर से आए तो बीबी नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, लेकिन माँ का वो आंस लगा रहता है, बस एक बार पूछ लूँ बेटा तुमने खाना खाया है कि नहीं, ये वो होती है माँ। और बीबी तो पूछेगी आप यहाँ लेट से क्यों आए, ये क्यों नहीं लाया, वो क्यों नहीं लाया, लेकिन माँ का सबसे पहला सवाल कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, वो होती है माँ। एक बार उठाइए अपने माता के नाम दोनों हाथ। अपने माता पिता के नाम जोड़ दर्द आशीर्वाद।